वेलकम इन अंजुम्स किचन। मैं हूं आपकी होस्ट अंजुम। मैंगो का सीजन आ चुका है तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं मैंगो से बनी हुई मैंगो बर्फी। खाने में ये सुपर टेस्टी लगती है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंगो बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है एक पका हुआ आम, इसे मैं छील लूँगी और इसे रफली चॉप कर लूँगी। मैंने यहाँ पर अल्फांसो आम लिया है, आप कोई भी मीठा आम ले सकते हैं, और इसे मैं इस तरह से रफली चॉप कर लूँगी। इसके बाद मैं इसे जार में डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें आधा कप शक्कर। इसे बिना पानी डाले इसी तरह से पीस लेंगे। इसे मैंने पीस लिया है, ये हमारा आम का बल्क तैयार हो गया है। अब मैं पैन लूँगी एक, उसमें मैं एक कप सूजी डालूँगी। गैस के फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है, हाई फ्लेम पर इस तरह से लगातार चम्मच चलाते रहेंगे हम और इसे भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है इसलिए हमें लगातार यहाँ पे चम्मच चलाना है ताकि सूजी हमारी नीचे से लगे नहीं। 3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें मिला रही हूँ ये आधा कप डेसिकेटेड नारियल यानि सूखा नारियल। इसे भी मैं सूजी के साथ भून लूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। सूजी और नारियल भून गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। सेम पैन में मैं 2 चम्मच घी डालूंगी और इसमें ये इलायची पाउडर मिला दूंगी। गैस के फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है, हाई फ्लेम पर ही मैं इसमें 1 कप दूध डाल दूंगी। दूध को मैंने पका के ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ ये मिल्क पाउडर 1/3 कप। इसे मैं अच्छी तरीके से दूध में मिला दूंगी, बिल्कुल डिज़ोल्व कर दूंगी। मिल्क पाउडर डालने से बर्फ़ी का टेस्ट बिल्कुल मावे जैसा आएगा। इसमें बल्क मिला देंगे आम का, अभी आधा बल्क मिलाया है, और इसे दूध में अच्छी तरीके से मिला देंगे ताकि कोई गांठे ना रहें। बाकी का बल्क मिला देंगे। आम को हमें लो फ्लेम पर 4 मिनट के लिए पकाना है। बीच में हम 1 चम्मच इस तरह से घी डाल देंगे ताकि आम जल्दी अपनी किनारे छोड़ दे। 4 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें ये सूजी और नारियल का भूरा डाल दूंगी। इसे मिला दूंगी मैं। मिलाने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल हलवे जैसा हो जाएगा, ये देखिए। अब हमें इसे पकाना है कुछ देर, तो मैं इसे लिड से कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। पाँच मिनट के बाद लिड ओपन करेंगे। मिक्सचर हमारा पक चुका है, ये इस तरह से फोल्ड होने लगे जब। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट को मैंने पहले से घी से ग्रीस कर लिया था। गीले हाथों से मैं इसे इस तरह से प्रेस करूँगी। सावधानी से ये प्रोसेस करें क्योंकि यहाँ पर ये बहुत गर्म होता है। इसे हम स्पैचुला से इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसे मैं गार्निश कर रही हूँ पिस्ता और बादाम से। आप चाहें तो कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं। और इसे 1 घंटे के लिए मैं सेट होने के लिए रख दूँगी ऐसे ही बाहर। अगर आपको जल्दी हो तो आप फ्रिज में रख सकते हैं 1/2 घंटे के लिए।
1 घंटे के बाद मैं इसे कट करूंगी। बर्फी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है, इतने आराम से कट रही है, आप देखिए। ये सभी को पसंद आती है, बच्चे हो चाहे बड़े, तो आप इसे ज़रूर बनाएं।